बिहार में भी गए थे प्रधानमंत्री जी चुनाव के सामने समय में, कहा कितना चाहिए, 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, 1,25,000 करोड़ कह के आए थे, लेकिन 1 रुपया देने का काम नहीं किया। चूंकि ये जुमलों वाली पार्टी है और हेमंत विश्व शर्मा को भेजा है, उसको भेजा है खाली हिंदू मुसलमान को लड़ा दो। हम कहते हैं हेमंत विश्व शर्मा कोई और नहीं है, वो चाइनीज आइटम है। चाइनीज में कैसा पेन होता है, लिखो फेंको, वही लिखो फेंको वाला पेन है, इसलिए चाइनीज आइटम है। चाइनीज में कैसा पेन होता है, लिखो फेंको, वही लिखो फेंको वाला पेन है, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि पूरी केंद्र की सरकार आ गई है। ये बीजेपी के लोग डरे हुए हैं, जब 2 बच्चा लड़ता है और 1 बच्चा जब पिटाकर रोते रोते घर चला जाता है तो बच्चा जाके अपने बाप को बुलाकर लाता है, लेकिन इनको अपने बाप पर विश्वास है, हम लोगों को आप पे विश्वास है, हम आपके विश्वास पे चल रहे हैं, इसलिए हम डरने वाले लोग नहीं हैं। साथियों दोस्तों, हम कहना चाहते हैं ये हेमंत सोरेन की सरकार जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, और ये सरकार न डरने वाली है न झुकने वाली है, और ये सरकार ने उलगुलान किया है कि हम इस झारखंड के को बेचने वाले लोगों के विरुद्ध में हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। साथियों दोस्तों, हम कहना चाहते हैं ये हेमंत सोरेन की सरकार जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, और ये सरकार न डरने वाली है न झुकने वाली है, और ये सरकार ने उलगुलान किया है कि हम इस झारखंड के को बेचने वाले लोगों के विरुद्ध में हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज मुझसे एक पत्रकार भाई ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी 5 तारीख को 5 बजे 5 घोषणा करेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ा माइंड गेम खेलने वाले लोग हैं, तो हमने कहा कि वो 5 घोषणा करें तो करनी चाहिए, यदि वास्तव में उनके अंदर थोड़ी सी भी झारखंड के प्रति, झारखंडी जनता के प्रति यदि प्यार है तो उनको घोषणा करना चाहिए कि उनको सरना धर्म कोड लागू करना चाहिए, उनको दूसरा घोषणा करना चाहिए कि यही भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व की सरकार ने पिछड़े लोगों का 27% आरक्षण तोड़कर 14% करने का काम किया, तो उनको आज कम से कम 27% आरक्षण लागू करने की दिशा में उनको घोषणा करनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए पिछड़े कमजोर लोगों से कि आपका जो है हक अधिकार हमने छीना, इसलिए हम जो है माफी के साथ 27% ओबीसी आरक्षण लागू करते हैं। उनको तीसरी घोषणा करनी चाहिए कि जो झारखंड की जनता का 1,36,000 करोड़ रुपया हक अधिकार मार कर बैठे हुए हैं, उनको 1,36,000 करोड़ रुपया झारखंड की जनता का ईमानदारी के साथ ये पैसा लौटाना चाहिए, उनको घोषणा करनी चाहिए। तो इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि एक युवा आदिवासी बेटे को झूठे मुकदमे में डालकर 5 महीना जेल में भेजा और झारखंड की जनता का अपमान किया है, इसके लिए उनको सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। हम कहना चाहते हैं क्योंकि चुनाव का वक्त आ गया है और बिहार में भी गए थे प्रधानमंत्री जी चुनाव के सामने समय में, कहा कितना चाहिए, 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, 1,25,000 करोड़ कह के आए थे, लेकिन 1 रुपया देने का काम नहीं किया। चूंकि ये जुमलों वाली पार्टी है और हेमंत विश्व शर्मा को भेजा है, उसको भेजा है खाली हिंदू मुसलमान को लड़ा दो। हम कहते हैं हेमंत विश्व शर्मा कोई और नहीं है, वो चाइनीज आइटम है। चाइनीज में कैसा पेन होता है, लिखो फेंको, वही लिखो फेंको वाला पेन है,
इसलिए हम कहना चाहते हैं कि पूरी केंद्र की सरकार आ गई है। ये बीजेपी के लोग डरे हुए हैं, जब दो बच्चा लड़ता है और एक बच्चा जब पिटाकर रोते रोते घर चला जाता है तो बच्चा जाके अपने बाप को बुलाकर लाता है, लेकिन इनको अपने बाप पर विश्वास है, हम लोगों को आप पे विश्वास है, हम आपके विश्वास पे चल रहे हैं, इसलिए हम डरने वाले लोग नहीं हैं। लोग कह रहे थे कि हेमंत सोरेन की सरकार पति पत्नी की सरकार चल रही है, हमने कहा पति पत्नी की सरकार नहीं है, ये सरकार माँ और बेटे की सरकार है। इसलिए एक बेटे ने देखा कि उसकी वृद्धा माँ को पेंशन नहीं मिलता है, तो उसने सर्जन पेंशन स्कीम लागू करने का काम किया है। उसने देखा कि मासरूप बहनों को भी माँ का दर्जा दिया और माँ बनाकर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जोड़ने का काम किया है। अरे वो जानते हैं हेमंत सोरेन जी कि माँ क्या होती है। अरे माँ वो होती है, माँ के सामने तो भगवान भी छोटा होता है। माँ माँ गीले में सोती है, बेटे को सूखे में सुलाती है। एक माँ पांच पांच बच्चे को पाल के बड़ा कर देती है, लेकिन पांच बच्चा भी एक माँ को पालने के समय कहीं ना कहीं दिक्कत करने लगता है। तो हेमंत सोरेन ने कहा कि उसका एक बेटा हेमंत सोरेन है जो अपनी पांच बच्चे जो काम नहीं करेंगे वो हेमंत सोरेन करेगा, और जब माँ का आशीर्वाद यदि बेटे पर है तो कोई माई का लाल यमराज भी उसको नहीं जो है ले जा सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की क्या बिसात है, क्या हैसियत है। अरे ये लोग तलाक करने वाले लोग हैं। ये लोग ने यूपी में स्वाति सिंह को टिकट दिया और उनके पति को भी टिकट दे दिया, एक एक घर में दो टिकट बांट दिया और दोनों में तलाक करा दिया है। मैं कहना चाहता हूं साथियों दोस्तों, आज मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बड़े लोग कह रहे थे कि ये फ्लाईओवर, जब फ्लाईओवर का बात हुआ तो बहुत यहां विद्वान लोग हैं, बड़े तथा कथित चाणक्य लोग हैं, कहते थे कि नहीं ये डिमना से पाइप गया है और वो पाइप के बीच में तो खंबा हो ही नहीं सकता है, टाटा कंपनी एनओसी देगी नहीं, और ये फ्लाईओवर तो सिर्फ दिखावा है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी का दृढ़ संकल्प और हम लोगों की वचनबद्धता ने जो है आज धरातल पर फ्लाईओवर 471 करोड़ का फ्लाईओवर भी काम चालू हो गया है। अब जो है ये भाजपा के लोग चूहा के बिल में घुस गए हैं, छुप गए हैं। अब इनको कोविड में दिखाई नहीं दिए, जब झारखंड की जनता दुखी परेशान थी, खोज रही थी और इनको खोजती थी, लेकिन ये इनके सांसद बोलते नहीं थे। रेमडेसिविर के लिए जनता तरस रही थी, जान बचाने के लिए तरस रही थी, लेकिन ये गुजरात में ले जाकर रेमडेसिविर देने का काम करते थे, हम लोगों को तरसाने का काम करते थे। जब जान में आफत थी तब झारखंडी को नहीं पूछा, लेकिन अब सत्ता पर कब्जा करना है तो कहते हैं गोगो गोगो मैया योजना ले आएंगे। अरे आप कितना भी कर लो, ये हेमंत सोरेन अभिमन्यु नहीं है, हेमंत सोरेन अर्जुन की तरह आपके सातों दरवाजे को तोड़ेगा और फिर झारखंड में बहुमत की सरकार बनेगी और जनता की सरकार बनेगी और जनता के लिए बनेगी और जन आकांक्षा की पूर्ति करेगी। इसलिए हम कहना चाहते हैं अपनी बहनों से एक बार हाथ उठा के, हमारी एक एक बहन हमारे लिए माँ बराबर है, आप हाथ उठा के बताइए आपके बेटे हेमंत सोरेन के साथ आप हैं कि नहीं हैं, और आप आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं। इसलिए साथियों दोस्तों, जाके कहिए मीडिया के लोग, भाजपा के लोगों से कि अरे भाई तुमने क्या ऐसा गलत रीति नीति कर दिया कि सारा झारखंड की माँ बेटी
आज तुमको देखना नहीं चाहती है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में प्रेम और विश्वास लाने वाले लोग हैं, हम लोग जो है प्यार करने वाले लोग हैं। अरे राष्ट्रपिता कहते थे रघुपति राघव राजा राम पतिता पावन सीता राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो उसके भी तो सीने में आप ही के लोगों ने गोली मारी थी और उन्होंने अंतिम सांस ली तो कहा हे राम हे राम हे राम। तो आप तो जो राम का वंशज है जो राम से प्यार करता है आप उसके भी सीने में गोली उतार देते हो। पता नहीं आप कैसे राम भक्त हैं, समझ में नहीं आता है। अरे राम ने तो माता सबरी का झूठा बेर खाया था और प्यार की खातिर जो है त्याग की खातिर जो है वनवास में जाने का काम किया था। इसलिए हम कहने आए हैं और बहुत दिल की गहराइयों से हम मुख्यमंत्री को कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आपको ये कोलाहन की धरती हमेशा आपको हरी भरी रहेगी और ये कोलाहन की धरती आपका मान सम्मान ऊंचा करेगी, ये हमको पूर्ण विश्वास है। क्योंकि हम लोगों ने आपके सानिध्य में आदरणीय सोनिया गांधी राहुल गांधी जी के सानिध्य में हम लोगों ने एक विश्वास पैदा किया है इंडिया गठबंधन का। वो विश्वास हर आदमी चाहता है कि हेमंत सोरेन का हंसता खिलखिलाता चेहरा भविष्य का मुख्यमंत्री के रूप में हम देखें। यही आशा विश्वास के साथ हम सभी लोगों को बहुत बहुत जोहार प्रणाम धन्यवाद शुक्रिया।